द जंगल रंबल विजेंद्र सिंह का मुकाबला घाना के एलियास सुसुले के साथ रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 17 अगस्त को होगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश में पेशेवर भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह द जंगल रंबल में घाना के एलियास सुसुले का सामना करने के लिए तैयार हैं, जो रायपुर में आयोजित पहली बार पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबला होगा। ये मुकाबला 17 अगस्त को राजधानी रायपुर बूढ़ापारा स्थित बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश पर राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में पेशेवर मुक्केबाजी द जंगल रंबल में भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह घाना के एलियास सुसुले का सामना करेंगे। इस आयोजन की जानकारी देने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने बताया कि 17 अगस्त को बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में पहला पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबला होगा। स्पर्धा के टिकट की बुकिंग बुक माई शो से 5 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगी। 499 रुपए से टिकट प्रारंभ होगी। इस दौरान महासचिव होरा ने कहा कि रायपुर में इस तरह के ऐतिहासिक आयोजन मुख्यमंत्री बघेल के सहयोग से ही संभव हुआ है। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी सहमति के बाद ये बड़ा शो होने जा रहा है आपके प्रदेश में, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ इस पूरे आयोजन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। और आज आपने विजेंद्र सिंह को देखा होगा लाइव लंदन से, तो 17 अगस्त को यहाँ बॉक्सिंग होगी, जिसमें घाना के सुले जी के साथ इनकी बॉक्सिंग की जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग वो देखने को आपको मिलेगा। और इंडिया के 4 बॉक्सर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका थोड़े दिन बाद हम आपको नाम बता दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बड़े बड़े आयोजन, पिछली बार सुपर सीरीज में क्रिकेट को देखने मिला, इस बार आपको ये आयोजन देखने को मिला। कोरोना के बाद भी लगातार, अभी एक टार्च रैली निकली थी शतरंज की और ओलंपियाड हो रहा है चेन्नई में, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, अनुराग जी ने किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यहाँ टार्च थाम के उसको रैली के रूप में स्वागत किया है। निसंदेह रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में खेलों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है, जिसके कारण ये बड़े बड़े आयोजन मिल रहे हैं और इसको छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बहुत लाभ होगा। रायपुर प्रेस क्लब के कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुक्केबाजी की अपार संभावनाएं हैं। वे पहली बार छत्तीसगढ़ के मुकाबले में शामिल होने आ रहे हैं। वे इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना इंटरेस्ट दिखाया, इतनी रुचि दिखाई कि यह एक मुकाबला हमारे रायपुर में भी होना चाहिए। जब हमने बॉक्सिंग की शुरुआत की थी, प्रोफेशनल बॉक्सिंग की, तब हमने एक वादा लिया था कि हम जो बॉक्सिंग है इंडिया के हर कोने कोने तक पहुँचाएंगे और इससे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों का, स्पेशली यूथ का बहुत भला होगा। तो लेकिन इससे पहले हमने जयपुर, राजस्थान, जयपुर उससे पहले दिल्ली, बॉम्बे और गोवा में भी मैच किए और फाइनली हम रायपुर में पहुँचे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रायपुर के यूथ को स्पेशली ये बॉक्सिंग मुकाबला बहुत पसंद आएगा। उनसे एक दरख्वास्त है कि आप आइए 17 तारीख को जुनेजा स्टेडियम में टोटली फ्री आप मैच देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे बॉक्सिंग तो आप इसको एज ए करियर भी ले सकते हैं। और हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक में कौन से गेम्स में और एशियन गेम्स में मेडल जीत के भी लेके आ सकते हैं। तो हमारी अपनी ट्रेनिंग यूके में चल रही है, वो तकरीबन 8 वीक की ट्रेनिंग होगी हमारी। तो अभी मैं अगले वीक में इंडिया आ जाऊँगा और रायपुर में आपके साथ मुलाकात होगी। 17 को मैं ट्रेन मुकाबला होगा।